सब्सक्राइब करें एके श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था हैज टू एंड हैव टू, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो उसी का पास्ट है। अरे पास्ट बोले तो क्या, पास्ट बोले तो हैड टू, यानी आज जो हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ हैड टू। तो भाई बात करें कि हम हैड टू का यूज कहां करते हैं, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि आप ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हो जिनके लास्ट में पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे लगा होता है। अरे यही नहीं, आप थोड़ा सा नीचे देखो, क्या पढ़ा, पढ़ी या पढ़े, अगर ये भी लगा होता है तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनके ट्रांसलेशन के लिए हैड टू का यूज करते हैं। अरे भाई ऐसे सेंटेंसेस से क्या होता है, कंपल्शन यानी मजबूरी प्रकट होती है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, हैड टू का करते हैं। अब भाई कैसे करते हैं, इनके लिए क्या नियम होगा, क्या रूल्स होगा, तो भाई जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए मैंने यहां पर रूल्स बनाया है। भाई रूल्स क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप इस पर विचार कर लीजिए। रूल्स क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद क्या हैड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है। तो भाई क्या सब्जेक्ट बोले तो आप इन्हीं में से कोई आप एक यूज करोगे या कोई सब्जेक्ट हो सकता है, जो सब्जेक्ट होगा उसको आप पहले यूज करोगे। हां फ्रेंड्स, अगर से उसे आया हो तो आप क्या यूज करोगे, ही यूज करोगे। अब पता चले कि उसे से स्त्री जाति का बोध हो तो आप सी यूज करोगे। अब क्या हो भाई, अगर इसको नेम आया हो तो भाई नेम के लिए आप क्या करोगे, नेम ही तो कहते हो इंग्लिश में। अब फ्रेंड्स क्या अगर मुझे आ जाए तो मुझे के लिए आप क्या यूज करोगे, आई, जो सब्जेक्टिव केस में ऐसा ही होता है, वहां नहीं बदलता है। अब क्या करोगे फ्रेंड्स, तुम्हें के लिए आप यू यूज करोगे और हमें के लिए वी, और उन्हें के लिए क्या फ्रेंड्स, उन्हें के लिए आपका दे है, बाकी आप ऐसे ही ट्रांसलेशन करोगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्या, बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे कहना हो क्या भाई, जैसे कहना हो कि मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, जरा ठीक से आप देखो क्या लिखा है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, यानी पकाना वाली बात हो रही है ना, अरे जिसको आप इंग्लिश में कुकिंग कहते हो, कुक, तो भाई उसी का आप ट्रांसलेशन करना है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि उसमें सब्जेक्ट क्या लिखा गया, सब्जेक्ट मुझे है ना, तो मुझे के लिए आप क्या यूज करोगे, देखकर बताओ, मुझे के लिए आप आई यूज करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, आई यूज कर लेंगे। अब आई के बाद क्या यूज होगा, हैड टू, तो यहां पर आप हैड टू यूज कर लो। उसके बाद फिर वर्ब क्या है, अभी बात हुई थी वर्ब क्या है भाई, कुकिंग के ना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, कुक होगा, तो आई हैव टू कुक क्या भाई, फूड। तो ये आपका ट्रांसलेशन तैयार। अरे इसी तरह आप बोलते हो क्या भाई, क्या भाई उसे खाना बनाना पड़ता था, तो उसे रहेगा तो आप क्या करोगे, आई को हटाओगे, बोल दोगे क्या, ही हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता था। अब सी हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता था। अब इसी तरीके से क्या आप यू के लिए बोल सकते हो, यू हैड टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ता था। अब भाई वी के लिए, जैसे आप समूह में ढेर सारे लोगों मिलकर खाना बना रहे थे, तो आप अब नहीं बना रहे हो, कोई दूसरा बना रहा है, तो आप क्या कहोगे, वहां पर कहोगे कि वी हैड टू कुक फूड, हमें खाना बनाना पड़ता था। अब फ्रेंड्स दे के लिए भी क्या कहोगे, दे हैड टू कुक फूड, उन्हें खाना बनाना पड़ता था। अब तो भाई ये खाना बनाने वाली बात होगी, अब इसी तरह ढेर सारे ट्रांसलेशन करते हो, अरे भाई एक और हम लोग कर लेते हैं, अब वो क्या होगा, जैसे कहा जाए फ्रेंड्स उसे पत्र लिखना पड़ता था, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर करोगे सी, और क्या हैड टू राइट, अब भाई क्या हो जाएगा, ए लेटर।
अब जरा जो है ये देखकर बताओ कि आपने क्या किया, आपने जो वर्ब था राइट उसको उसको यहां पर ऐड किया, फिर आपने हैड टू लगाया, फिर आपका क्या हो गया भाई, आपका सी हो गया सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने ट्रांसलेशन कर लिया। अब भाई ढेर सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, जैसे कहा जाए कैसे फ्रेंड्स कि मुझे रामपुर जाना पड़ा। अरे भाई हमने कहा था क्या, हमने कहा था कि पड़ा पड़ी पड़े भी आते हैं, तो आप क्या उनके लिए भी यही प्रोसेस रखोगे कैसे, जैसे कहा जाए मुझे रामपुर जाना पड़ा, तो ट्रांसलेशन कैसे करोगी, करोगी क्या कि आई हैड टू विजिट, क्या बोलोगे फ्रेंड्स, आई हैड टू विजिट कहां, रामपुर। तो ये रहा फ्रेंड्स क्या, ये रहा आपका ट्रांसलेशन। इसी तरीके से आप ढेर सारे जो है क्या ट्रांसलेशन कर सकते हो, जैसे भाई क्या मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, तो क्या बोलोगे, आई हैड टू लीव जॉब। तो ये रहा आपका क्या हैड टू का प्रयोग। अब फ्रेंड्स अभी कहीं जाओ ना, अभी क्या हमें नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अब क्या है बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं क्या नेगेटिव सेंटेंस का। तो भाई नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे फॉर्मेट करोगे, यानी कैसे आप उसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी वाले सेंटेंसेस को अंग्रेजी में। तो भाई बिल्कुल आप सतर्क हो जाइएगा, आप पढ़ रहे हो हैड टू, लेकिन अभी देखना क्या, अभी हैड टू की जगह पर हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, कैसे बिल्कुल बताते हैं। फ्रेंड्स होगा क्या कि जब भी अगर शब्द नकारात्मक हो जाएगा तो आप क्या करोगे, नियम में थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, आपको बोलना पड़ेगा क्या डिड नॉट, क्या बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्या बोलना पड़ेगा डिड नॉट बोलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स डिड नॉट के बाद क्या बोलोगे, अरे भाई आप हैड टू का यूज पढ़े हो, लेकिन अब हैड टू नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि डिड यूज हो गया है, तो जब आगे वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में नहीं होगी, वो किसमें होगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव, और ये आपका रहेगा क्या, और फ्रेंड्स रहेगा ये आपका टू। तो थोड़ा सा यही इसको आप केयर करिएगा कि फ्रेंड्स नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, और आगे जो हम यूज करेंगे वो हैड टू नहीं, क्या हैव टू, और आगे आपका ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट का सेम प्रोसेस रहता है। अब ये सेंटेंसेस क्या होगा, जैसे कहना हो क्या भाई, जैसे कहा जाए कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था, क्या कहा, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था, तो कैसे आप करोगे, मुझे मतलब क्या भाई, मुझे मतलब आई, तो सब्जेक्ट आपने पहले लिख लिया, चूंकि क्या नियम में बताया गया सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, किसके लिए भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो आप यहां पर आई लिख लिया। अब फिर नहीं आया है तो आप डिड नॉट का यूज करोगे, तो आई डिड नॉट, अब आगे क्या यूज करोगे फ्रेंड्स, हैव टू, तो हो जाएगा आई डिड नॉट हैव टू, आगे क्या होगा, गो टू कहां, गो टू स्कूल, तो फ्रेंड्स ये हो गया आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अब भाई जैसे कहा जाए क्या, जैसे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो, जैसे कहा जाए उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाओगे आप बताओ, कैसे बनाओगे, सी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो जब भी क्या, जब भी नेगेटिव वाले सेंटेंसेस आएंगे तो आप ये तरीका यूज करिएगा, ठीक, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना, तो आप ढेर सारे ट्रांसलेशन करना, ओके। आप फ्रेंड्स एक बात और, आपको जब इंटरोगेटिव बनाना होगा तब आप क्या करोगे, तब आप बिल्कुल थोड़ा सा और काम कर देना, क्या करना, ये जो आप डिड देख रहे हो इस डिड को आप पहले यूज करिएगा। तो करेंगे क्या फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, यहां से हम डिड को हटा देंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने डिड को हटा दिया, हाँ फ्रेंड्स नॉट को रहने दो, क्योंकि जब हम जब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यूज कर लेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे, नॉट नेगेटिव के लिए यूज करोगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं है तो आप नहीं यूज करोगे। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, यहां पर आप देख लो, सबसे पहले आपको डिड यूज करना है, तो क्या यूज करना है फ्रेंड्स, आपको ये डिड यूज करना है, और इस डिड के बाद आपका जो सब्जेक्ट यूज होना होगा उस सब्जेक्ट को आप यूज करिएगा, ठीक।
अब भाई एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि क्या उसे बाजार जाना पड़ता था, अरे मैंने क्या कहा, क्या उसे बाजार जाना पड़ता था, तो आप कैसे करोगे ट्रांसलेशन? आप फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करिएगा लास्ट में। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, क्या उसे बाजार जाना पड़ता था, तो भाई सब्जेक्ट बताओ, बताओ इसमें क्या है, सी या ही आप ले सकते हो, तो आपका हो जाएगा डिड, उसके बाद आप सब्जेक्ट सी या ही लिख लीजिए, तो यहां मैंने सी यूज कर लिया। और फिर क्या, फिर आप लिखोगे हैव टू, क्या फ्रेंड्स, हैव टू गो टू कहां, स्कूल, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, डिड सी हैव टू गो टू स्कूल, तो ट्रांसलेशन हो गया ना, बिल्कुल। अब फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या ढेर सारे एग्जांपल्स को कर सकते हो, ठीक। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि आप इंट्रोगेटिव जब बनाओगे, भाई इंट्रोगेटिव का क्यू डब्ल्यू टाइप बनाओगे तो थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, क्या चेंजिंग, कुछ नहीं, आपको एडवांस काम करना पड़ेगा, क्या डिड से पहले आप जो क्वेश्चनिंग वर्ड रहेगा उसको यूज करोगे, तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं, क्या ये फ्रेंड्स डिड आपका रहेगा और इससे पहले आप क्या ये क्वेश्चनिंग वर्ड यूज कर लोगे, ठीक। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग वर्ड यूज करना है, फिर डिड है, फिर आपका ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आप देख रहे हैं कि नॉट, यदि नेगेटिव बनाना, नेगेटिव होगा सेंटेंस तो आप नॉट यूज करोगे, अदरवाइज नहीं यूज करना है। फिर आपको क्या हैव टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट सेम प्रोसेस है, ठीक। तो आप करेंगे क्या, जैसे कहा जाए फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, तो आप कैसे लिखोगे इसका ट्रांसलेशन, बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, अब फिर किसका यूज करोगे, नियम को देखकर बताओ, डिड का, तो व्हाई डिड, अब उसे है तो आप ही यूज कर लीजिए, अब स्त्री के लिए क्या आप सी यूज करिएगा, तो व्हाई डिड ही, अब भाई क्या आगे यूज करोगे, हैव टू, ठीक। तो आपने यहां क्या लिख लिया, हैव टू, फ्रेंड्स नॉट तब यूज करिएगा जब निगेटिव बनाना होगा, तो व्हाई डिड ही हैव टू डू, और यहां पर आप शो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। तो फ्रेंड्स आप हर तरह के सेंटेंसेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करिएगा। हाँ कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा, क्योंकि क्या आपकी जो दिक्कत होगी उसको पूरी तरीके से ये मेरा चैनल क्या करेगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। तो बिल्कुल आप इससे जुड़े रहिए, और जो न्यू हो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि कंटिन्यू पर डे आपको इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे। ओके थैंक यू, सब्सक्राइब करें एके श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।